Welcome to TooEasyToLearn.com. Basic terms used in algebra. Dear student, इस lesson में हम basic terms सीखेंगे जो कि algebra में इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि numerical expression and algebraic expression. इन दोनों में क्या फ़र्क है, algebraic equation and parts of algebraic equation, और algebraic equation algebraic expression से किस तरह मुख्तलिफ है, कोएफिशिएंट, वेरिएबल जिसका दूसरा नाम अननोन है, और कांस्टेंट ये क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं और ये एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलीनोमियल क्या हैं, इसको हम अब मज़ीद डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. ये स्टूडेंट्स, आइए एक एग्जांपल की मदद से हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट सम ऑफ 3 and 4 इन मैथमेटिकल वे, तो आप लिखेंगे जी 3 + 4. सम के लिए आपने प्लस का साइन यूज़ किया, 3 is a digit and 4 is also a digit. अब चूंकि दिस इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर और ऑपरेटर के ज़रिए मिलके बना है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेशन. अब चूंकि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर इस्तेमाल हुए हैं, तो वी कॉल इट द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. सो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है जी, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास नंबर्स और ऑपरेटर्स होते हैं. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ राइट सम ऑफ अ नंबर एंड 4, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, तो आप लिखेंगे जी नंबर प्लस 4. तो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग और एक्सप्रेसिंग दिस स्टेटमेंट. अब ये नंबर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो दिस इज़ अननोन, तो इस अननोन की जगह पे हम कोई सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स प्लस 4. अब सिंबल इज़ अ डिफ़िकल्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, सो इसके लिए हम कोई लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स प्लस 4, और ये एक्स इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, दैट्स वाई वी डोंट नो वी द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स वाई वी कॉल इट द अननोन. और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, 3 + 4, इसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, इट कुड बी 5, इट कुड बी 6. सो चूंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी वैल्यू, दैट्स वाई वी कॉल इट द वेरिएबल, वी कॉल इट वेरिएबल. सो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट्स वाई वी कॉल इट वेरिएबल. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और कांस्टेंट वैल्यू नंबर के साथ मिलके बनता है. जब आपके पास एक्सप्रेशन में वेरिएबल हो, वी कॉल इट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और अगर आपके पास सिर्फ नंबर्स हों, वी कॉल इट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि नंबर, वेरिएबल और ऑपरेटर्स मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल देखी थी सम ऑफ अ नंबर एंड 4, तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, एक्स प्लस 4. और अगर अब मैं आपसे कहूँ कि सम ऑफ अ नंबर एंड 4 इज इक्वल टू 7, देन हाउ यू विल राइट इन मैथमेटिकल वे,
अब लिखेंगे सम ऑफ नंबर एंड फोर, नंबर कोई भी नंबर हो सकता है कोई वो, तो इट इज़ अननोन, एक्स प्लस फोर सम ऑफ नंबर एंड फोर इक्वल, इक्वल का साइन लगा दिया, इक्वल टू सेवन और हमने इसको सेवन के इक्वल लिख दिया. नो दिस विल बिकम अलजेब्रिक इक्वेशन, यू कॉल इट अलजेब्रिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि इसमें अब इक्वल का साइन आ गया. तो यही डिफरेंस है एक्सप्रेशन में और अलजेब्रिक इक्वेशन में. एक्सप्रेशन वेरिएबल ऑपरेटर और नंबर से मिलके एक्सप्रेशन बनता है. वेरिएबल नंबर और इक्वल साइन से मिलके इक्वेशन बनती है. तो एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होता और इक्वेशन में इक्वल साइन होता है. पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन. डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि अलजेब्रिक इक्वेशन वेरिएबल ऑपरेटर और नंबर और इक्वल साइन से मिलके बनती है. अब हम इनके पार्ट्स देखते हैं कि मुख्तलिफ इसके जो पार्ट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे लिखूं 2x³ - 7 = 8, अब इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं. मसलन आपके पास 2 इज़ अ नंबर एंड 7 इज़ ऑल्सो अ नंबर और 8 इज़ ऑल्सो अ नंबर एंड 3 इज़ ऑल्सो अ नंबर, लेकिन इन तीनों इनके लिए हर एक नंबर के लिए एक अलहदा टर्म यूज़ होती है. x इज़ अ वेरिएबल, तो इसको तो हम बोलेंगे जी वेरिएबल वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है इसलिए हम वेरिएबल बोलते हैं. और चूंकि ये अननोन है इसके हमें वैल्यू का नहीं पता, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अननोन. तो एक्स के जो ये लेटर है इसको वेरिएबल भी कहते हैं और अननोन भी कहते हैं. अब एक्स के साथ दो नंबर हैं, एक 2 है जो कि एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक एक्स के ऊपर लिखा है. तो सो दिस 2 इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट, इट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट. सो जो नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है वी कॉल इट द कोएफिशिएंट. नो x³ का क्या मतलब है कि ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है कि x को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें. तो x टाइम्स x टाइम्स x, अगर x की पावर ये जो नंबर 4 होता तो हम x को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते. तो ये जो वी कॉल इट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, देयर इज अनदर नेम इंडेक्स, और इसका एक और नाम भी है उसको हम कहते हैं जी पावर. तो ये जो पावर है ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को शो करती है. नो दिस 7, अब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इस 8 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इन दोनों नंबर्स को जिनके साथ कोई वेरिएबल ना हो या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई ना कर रहे हो तो वी कॉल इट कांस्टेंट, और दिस इज़ द ऑपरेटर. ऑपरेटर प्लस भी हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हमारे पास 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. स्टूडेंट, अगर मैं लिखूं ax² + bx + c,
यहाँ पे आपके पास ए इज़ अ कोएफिशिएंट, इसे हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्यों कोएफिशिएंट बोलेंगे? क्योंकि ए एक्स से वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। बी इज ऑल्सो द कोएफिशिएंट। बी को हम क्यों कोएफिशिएंट बोलेंगे? ए को भी कोएफिशिएंट बोलेंगे, बी को भी कोएफिशिएंट बोलेंगे, क्योंकि बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई वी कॉल इट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। नो, सी सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वी कॉल इट कॉन्स्टेंट। एंड टू इज अ पावर, टू इज कॉल्ड इंडेक्स, टू इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट एक्स रेज टू पावर 4। अब एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट, जिसके साथ कोई नंबर ना हो, उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। इफ आई राइट 3x, तो 3 इज अ कोएफिशिएंट, लेकिन एक्स की पावर, देर इज नो पावर रिटन ऑन एक्स, तो इसकी पावर हमेशा, जब कोई पावर ना लिखी हो, तो पावर हमेशा 1 होती है। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टैंड करना कि कौन सी टर्म लाइक है, कौन सी अनलाइक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलजबरा को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके सामने मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ, अलजबरिक टर्म्स लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूँ जी 3x² इज 3y² माइनस 4x² माइनस 5y³ एंड 3y³। ये मैंने आपके सामने डिफरेंट टर्म्स लिखी हैं। अब हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म्स लाइक हैं और कौन सी अनलाइक हैं। सो सबसे पहले तो हमें लाइक टर्म की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म लाइक टर्म्स होती हैं। तो लाइक टर्म्स की डेफिनेशन ये है कि लाइक टर्म्स के वेरिएबल और वेरिएबल की जो पावर है एक्सपोनेंट, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। इफ दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट लाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं जी 3x² माइनस 4x², तो इसमें हमारे पास वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल आर सेम, ये डेफिनेशन के मुताबिक वेरिएबल सेम है। अब इनकी पावर 2 और इसकी पावर भी 2, एक्सपोनेंट इज आल्सो सेम। जब वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम हैं, तो वी कॉल इट लाइक टर्म्स। अब आप कहेंगे कि इनके कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है, तो कोएफिशिएंट सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो लाइक टर्म्स के लिए ज़रूरी है कि उनकी वेरिएबल और वेरिएबल की पावर, द बोथ मस्ट बी सेम। नाउ इफ आई राइट 3y² माइनस 5y³, सो कोएफिशिएंट आर डिफरेंट, डजंट मैटर, वेरिएबल आर सेम, तो डेफिनेशन के मुताबिक आपकी ये दोनों का वेरिएबल सेम है। और नेक्स्ट चीज़ हमने क्या टेस्ट करनी है, हमने चेक करनी है कि इन वेरिएबल्स की पावर भी सेम है कि नहीं। तो हेयर इज 2 एंड हेयर इज 3, तो दे आर अनलाइक टर्म्स, हम इन्हें लाइक टर्म्स नहीं बोलेंगे, दे आर अनलाइक टर्म्स। लेट्स सी 5y³ एंड 3y³। अब इसमें अगर आप देखें तो कोएफिशिएंट और डिफरेंट, डजंट मैटर, क्योंकि लाइक टर्म्स में कोएफिशिएंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। वेरिएबल y, वेरिएबल्स आर सेम एंड एक्सपोनेंट इन वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम है, सो दे आर लाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड।
लाइक टर्म को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक टर्म्स को, अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। लेकिन अनलाइक टर्म को हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स कैन बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड। इनको हम आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, अभी तक हम टर्म्स के बारे में सीख चुके हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। लेट्स से कि मैं लिखता हूँ डिजिट 3, तो दिस इज़ अ सिंगल टर्म, तो वी कॉल इट द मोनोमियल। मोनो मीन वन एंड नोमियल मीन टर्म, तो दिस इज़ अ सिंगल टर्म। एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय एक्स स्क्वेयर, तो दिस इज अनदर टर्म। बट व्हेन टू मोनोमियल, जब दो मोनोमियल आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अगेन मोनोमियल। ये एक सिंगल टर्म है, थ्री टाइम्स एक्स स्क्वेयर इज मोनोमियल। थ्री एक्स स्क्वेयर, अगर इसके दोनों के दरमियान में मैं प्लस साइन लगा दूं तो दिस इज नॉट सिंगल टर्म। थ्री इज अ सेपरेट टर्म एंड एक्स स्क्वेयर इज अ सेपरेट टर्म। इन दोनों को अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस साइन सेपरेट कर रहा है। जब दो मोनोमियल्स के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए, थ्री माइनस एक्स स्क्वेयर, जब मोनोमियल्स के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए, वी कॉल इट बाइनोमियल, बाइनोमियल। बाई मीन टू, नोमियल मीन टर्म्स, टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल आई राइट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर एंड एक्स। अगर इनके दरमियान मल्टीप्लाई है तो इट इज मोनोमियल, और अगर इनके दरमियान प्लस या माइनस है तो दिस इज ट्राइनोमियल। क्यों ट्राइनोमियल है? क्योंकि अब ये तीन टर्म्स हैं, वन टू एंड थ्री, और तीनों टर्म्स सेपरेट हो रही हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस और माइनस से। लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जांपल, थ्री एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जी। और देर आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द मोनोमियल। ये मोनोमियल है। बट इफ आई राइट इट लाइक दिस, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब माइनस जी, नो दिस इज ट्राइनोमियल। तो जब एक से ज़्यादा टर्म्स हों किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स हों, हम उनको बोलते हैं पॉलीनोमियल। पॉली मीन मैनी, पॉली मीन मैनी, एंड नोमियल मीन टर्म्स, सो मैनी टर्म्स।